हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जुगु एक्स्ट्रा। और आज मैं खेल रहा हूँ सेट्स, इसलिए क्योंकि मैं शैडो फाइट अरीना से परेशान हूँ भाई। मैं तो गेम छोड़ने की सोच रहा हूँ, मगर तुम सेट्स देखो भाई, एकदम नॉस्टैल्जिया वाला फील आ रहा है। मुझे बचपन के दिन याद आ रहे, कितना टाइम हो चुका है यार, वो बिना इंटरनेट वाला टाइम कितना सही था, अभी कितने बकवास टाइम में आ चुके हैं। आय हाय 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 हाय। ऑल द मुझे लगा था शैडो फाइट 2 से अच्छा गेम होगा, मगर मुझे नहीं लगता भाई शैडो फाइट 2 से अच्छा गेम है, एटलीस्ट फर्स्ट इंप्रेशन में तो नहीं लगा। और मैंने इसमें लगभग एक हाथ हफ्ते ग्राइंड किया हुआ है, मतलब उतना रेगुलर बेसिस पे तो नहीं किया है, मगर थोड़ा बहुत मैंने किया है। तो तुम्हें ये बहुत ईजिली दिख रहा होगा कि मैं एक एक दो दो अटैक में इन्हें डिफीट कर दे रहा हूँ, मगर अरे भाई सॉक, तुमने देखा ये शैडो फाइट 2 का फीचर, मुझे अब मैं तो भूल गया था इस चीज़ को कि सॉक से हमारे वेपन भी चले जाते थे वहाँ पे। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि मैं इन्हें एक एक अटैक में इसलिए डिफीट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें ऑलरेडी ग्राइंड कर चुका हूँ, मैं ये वाला चैप्टर फिनिश कर चुका हूँ और मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मगर मैं इसकी रिकॉर्डिंग मैंने करी थी, मगर स्पेस की दिक्कत के कारण मैंने गलती से उसको डिलीट कर दी और इसके कारण मैं इसे फिर से खेल रहा हूँ, क्योंकि मैं अगले चैप्टर में पहुँच गया था और मैंने अपने वेपन वगैरह और ये जो आर्मर होता है ये सब अपग्रेड करके रखा हुआ है, इसलिए मैं बहुत इजीली हरा पा रहा हूँ। और इसमें मुझे कंट्रोल समझने में भी थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, क्यों पता? क्योंकि मेरे शैडो फाइट अरीना के कंट्रोल हल्के से अलग है, ठीक है, बहुत माइनर डिफरेंस है, मगर वो माइनर डिफरेंस के कारण मैं ऐसी जगह टैप करता हूँ जहाँ पे बटन है ही नहीं, तो मैं अटैक ही नहीं कर पाता हूँ सही टाइम पे। और मैंने सेटिंग में भी ढूंढा कि हम कैसे हमारे कंट्रोल्स को चेंज कर सकते हैं, तो वो मुझे बटन ही नहीं मिली भाई, वो सेट करने का ऑप्शन ही नहीं है इसमें, या फिर मुझे समझ नहीं आया कहां पे मिलेगा, या फिर वो इसमें ऑप्शन है ही नहीं। यार कितनी गलत बात है यार, वो ऑप्शन लाओ इसमें। और इसमें मुझे ये चीज भी बहुत हार्ड हो रही है, मुझे पहले समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अटैक करूं कैसे, क्योंकि इसमें सीन क्या है पता, इसमें ना शैडो फाइट अरीना से ज्यादा अटैकिंग ऑप्शन हमारे पास है। मतलब तुम समझो, हमारे शैडो फाइट अरीना में हम चार डायरेक्शन में जॉयस्टिक मूव करके अटैक कर सकते हैं, मगर इसमें हम पूरे आठों डायरेक्शन में जॉयस्टिक मूव करके अलग अलग आठ अटैक है एक ही बटन से। मतलब कि भाई बहुत सही है, मतलब तुम समझ पा रहे हो, जैसे समझो एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ ईस्ट वाली बटन को भी दबा के हो रहा है ना, साउथ वेस्ट वाली दबा के भी अटैक हो रहा है, मतलब हर इस पे अलग अटैक है, अनलाइक हमारे शैडो फाइट अरीना। मुझे पता नहीं तुम्हें समझ आया कि नहीं, मगर मैंने तुम्हें समझाने का ट्राई जरूर किया है। और मुझे इसमें रिस्पॉन्स भी थोड़ा सा डिले लगा कि मैं बटन दबाता हूँ और कई बार अटैक ही नहीं होता है, वो शायद इसलिए क्योंकि ये गेम अभी तक इंडिया में रिलीज़ नहीं हुआ है और मैं इसको फॉरेन के सर्वर में खेल रहा हूँ, तो इसलिए हो सकता है रिस्पॉन्स डिले है। मगर मुझे तो फिर भी लगता है ऑफलाइन गेम है ना, मगर फिर भी इसमें नेट लगता है इसको चलाने के लिए। मगर मुझे ये गेम ना थोड़ा सा स्क्रिप्टेड टाइप का लगता है, कई बार ये स्टोरी लाइन में बिठाने के लिए ना हमें जानबूझ के हरा देते हैं क्योंकि वो स्टोरी का पार्ट है, तो ये गलत है यार। मतलब अगर कोई अच्छा, मैंने कई बार नोटिस किया, अगर मैं बेकार खेल रहा हूँ तब भी मैं जीत जाता हूँ और कई बार बहुत अच्छा खेलने के बाद भी हार जाता हूँ। ऑल दो मुझे अभी तक इसके कंट्रोल समझे नहीं है, मुझे बस रैंडम अटैक किए जा रहे हो, मुझे ये भी नहीं पता कि किस अटैक की कितनी रेंज है, क्योंकि ये जो याला वेपन है ना ये मुझे अभी अभी रिसेंटली मिला है। और इसमें वेपन का भी एक सीन है, मैं तुम्हें बताऊंगा इसमें क्या होता है, दो वेपन को हम मर्ज कर सकते हैं, मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ही वेपन दो बार आ गए है ना, मतलब ये जो है शायद इसका नाम फाई है, ऐसा ही कुछ नाम है, अगर तुम्हारे पास ये दो आ गए तो तुम दोनों को मर्ज करके एक अलग वेपन बना सकते हो, ये बहुत कूल चीज़ है। सेम चीज़ हेलमेट में भी है, हम दो हेलमेट को चूज, मतलब दो हेलमेट को ऐसा मर्ज करके एक हेलमेट बना सकते हैं। और ये देखो, ये हेल्थ गेन करने के लिए कितनी सही चीज़ है, मगर यहाँ पे बहुत कम हेल्थ मिलती है यार। और हमारा आखिरी बॉस जो है पहले चैप्टर का, वो है सेंसे। भाई सेंसे यार, सेंसे प्लीज़ मत मारना यार। चलो मैं तुम्हें डायलॉग तो नहीं बता रहा हूँ अभी, मैं तुम्हें, अगर तुम बताओ, तुम बोलोगे तो मैं इसकी स्टोरी भी एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि है मतलब बढ़िया से स्टोरी है इसकी। और तुम देखो, मैंने एक ही हेल्थ में सेंसे को आधे से भी ज़्यादा ख़त्म कर दिया एक ही हिट के अंदर, और आग भी लगी है भाई एकदम खतरनाक से सेंसे के ऊपर। मगर इसके पास टोटल तीन लाइफ है, मैंने पहला ख़त्म कर दिया। वैसे तुमने शैडो फाइट 2 भी खेला होगा तो तुम्हें पता होगा कि सारे बॉसेस के पास वहाँ पे तीन लाइफ होती थी, तो यहाँ पे भी शायद से सारे में से एक किसी के पास तो चार होती थी, क्या पता शायद टाइटन, या मुझे याद नहीं यार, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है ना। और अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, तो मेरे नीचे लाइट जल रही है वो मैं हूँ। तुमने अगर शैडो फाइट 2 खेला होगा तो तुम्हें पता होगा, और जिसके आसपास एक ऑरा है वो भी मैं ही हूँ। अरे भाई सेंसे खत्म हो गए रे, सेंसे खत्म हो गए, मतलब मरे नहीं है, हमने उन्हें ठीक किया है। अब एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें ना इसका अगला वाला चैप्टर दिखाता हूँ जो कि याला है, ठीक है। इसमें मैं उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, पिछले तुमने जो सेंसे वाला चैप्टर देखा उसमें क्या सीन था कि वहाँ पे मैं उसे दूसरी बार खेल रहा था, और जब मैंने वहाँ पे पहली बार खेला था तब मेरे पास उतने अच्छे आर्मर वगैरह नहीं थे, मगर अभी मेरे पास आर्मर आ चुके हैं, इसलिए वो चैप्टर मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। मगर तुम ये देखो यहाँ पे मेरा डैमेज कितना कम है, खासकर मेरा अपोनेंट भी भाई बहुत ही ज़्यादा डैमेज देता है,
और मगर मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पर्क्स मिले हैं, मतलब जो हमारा सर्टिफाइड अरीना का जैसे बोनस मिलते हैं ना, उस टाइप के इसमें भी बोनस है। ये देखो तीन में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर मुझे आजकल इतना आइडिया नहीं, आजकल नहीं मतलब मुझे आइडिया ही नहीं है कि इसमें कौन से अच्छे सेलेक्ट करें। तो मुझे पढ़ के जो सही लग रहा है मैं वो सेलेक्ट कर रहा हूँ, बाकी हो सकता है मैं गलत भी सेलेक्ट करूँ। अब तुम ये देखो मैं सेवन्थ राउंड में ही मेरे पास कितनी कम हेल्थ बची है, मगर इसमें डैमेज देखो भाई कितना कम कम पड़ रहा है। और ये देखो बस मैं एक हिट का बचा हूँ, बस मेरी तीन हेल्थ बची है। ये एक लात मारेगा ना वो तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा, अरे भाई ख़त्म ही हो गया हूँ। मगर अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था, यहाँ ऐड नहीं दिख रहा भाई मैं फालतू में। ये देखो मुझे एक चाकू मिला हुआ है, अब मैं तुम्हें स्टोर में जाके दिखाता हूँ, मतलब आर्मरी या जो भी कहते हैं। यहाँ पे देखो मेरे पास दो दो चाकू हो गए, इसका मतलब अब मैं इन दोनों को मर्ज कर सकता हूँ, और ये दोनों को मर्ज करके मेरे पास एक नया चाकू आ गया। भाई ये बहुत कूल है, अब ऐसे मेरे पास दो चाकू और थे तो उन दोनों को भी मर्ज करके उसका भी लेवल अपग्रेड हो गया। तो इसमें क्या होता है, दो वेपन को मर्ज करके एक नया ही वेपन बन जाता है, भाई बहुत कूल है ये तो। और देखो इसमें ऐसे कुछ टैलेंट अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ पे अपग्रेड करने के लिए मैं थोड़े से गोल्ड दूंगा और मेरे टैलेंट अनलॉक हो जाएंगे। देखो ये कियाला मैजिक डैमेज वाला हुआ, मगर मेरा मैजिक अभी तक अनलॉक ही नहीं हुआ है। और क्योंकि ये सर्टिफाइड अरीना की वीडियो नहीं है तो इस पर लाइक हम रखते हैं 10 लाइक का, और अगर इस पर 10 लाइक आ जाते हैं और थोड़े बहुत कमेंट्स आते हैं कि इस पर और वीडियोज़ लाओ तो मैं इस पर और वीडियोज़ बनाऊँगा। चलो ठीक है, बाय।